तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे अर्थमेटिक मीन क्या होता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेन मीडियम मोड के बारे में शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशन देखा था वन वर्ड। आज हम लोग मीन के बारे में ओवरऑल जानेंगे कि ये होता क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है कि ये होता क्या है मीन। तो मीन जो होता है रिप्रेजेंट करता है एवरेज वैल्यू ऑफ द डाटा सेट। एक डाटा सेट का एवरेज वैल्यू मीन रिप्रेजेंट करता है। जो मीन होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए सम ऑफ ऑल द वैल्यूज जो होता है डाटा सेट का उसको डिवाइड किया जाता है नंबर्स ऑफ वैल्यू में। मान लीजिए कि एक डाटा सेट में 10 वैल्यू होता है, वो 10 वैल्यू का सम करके उसको 10 से डिवाइड करेंगे तब आ जाएगा हमारा अर्थमेटिक मीन। तो दिस अर्थमेटिक मीन इज जनरल इज कंसिडर्ड एज कि एवरेज वैल्यू ऑफ एनी डाटा सेट। ठीक है, तो किसी भी डाटा सेट का एवरेज वैल्यू को हम लोग मीन कहते हैं, उसे अर्थमेटिक मीन के भी नाम से जाना जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आता है मेरिट्स। तो इसका सबसे पहला मेरिट्स है डिफाइंड बाय अलजेब्रिक फार्मूला। तो ये जो हमारा अर्थमेटिक मीन होता है दोस्तों, वो रिजिडली डिफाइंड बाय अलजेब्रिक फार्मूला। जो अर्थमेटिक मीन होता है वो अलजेब्रिक फार्मूला के थ्रू डिफाइंड होता है। दूसरा, इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है और अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग भी इजी होता है, बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इसमें सिर्फ इतना जानना है कि सम ऑफ ऑल द डाटा इज कॉल्ड मीन। सो आपका जब ये मीन निकालना होता है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, बस जितना भी आपका सम ऑफ डाटा है उसको प्लस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा से कर देना रहता है। तो ये इजी भी होता है और अंडरस्टैंडिंग भी रहता है, सिंपल। थर्ड है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द गिवन डाटा। फोर्थ है लेस इफेक्टिव बाय फ्लक्चुएशन। जो फ्लक्चुएट करता है हमारा कंपनी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन या हमारा डाटा सेट, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जो आता है, तो वो फ्लक्चुएशन से ये लेस इफेक्ट होता है। थर्ड, फिफ्थ है, सो इसमें कह रहा है कि फिफ्थ पॉइंट की फॉर एवरी काइंड ऑफ डाटा मीन कैन बी कैलकुलेटेड। हर टाइप ऑफ डाटा के लिए मीन कैलकुलेट हो सकता है, मतलब कि हर टाइप ऑफ डाटा के लिए आप मीन को कैलकुलेशन कर सकते हैं। एएम कैन बी कंप्यूटेड इवन इफ द डिजायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नोन, बट सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर नोन। ठीक है, तो आगे बढ़ते आगे हमारा आ जाता है डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले, नाइदर बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन और बाय ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो ये जो अर्थमेटिक मीन होता है ये ना ही इंस्पेक्शन के साथ लोकेट किया जा सकता है और ना ही ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ, ठीक है, डिटरमाइन किया जा सकता है। सेकेंड, कैन नॉट बी कंप्यूटेड फॉर क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा जैसे इमोशन, हेल्थ, लव, अफेक्शन, ये सब के तहत वो कैलकुलेट नहीं हो सकता है। ये सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा को ही, जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है उसी को कैलकुलेट करता है। क्वालिटेटिव डाटा क्वालिटी किसी चीज़ का नहीं कैलकुलेट कर सकता है। एएम कैन नॉट बी कंप्यूटेड फॉर क्वालिटेटिव डाटा लाइक डाटा ऑन इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट है नॉट मच ऑफर्ड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन होता है उससे ज़्यादा, सो नॉट मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। जो एक्सट्रीम वैल्यू होता है उससे ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। फोर्थ, एवन क्लास इंटरवल और ओपन एंड अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। जब क्लास इंटरवल ओपन एंड का होता है तब अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट आप नहीं कर सकते। इफ एनी ऑफ द डाटा इज मिसिंग मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अगर एक सीक्वेंस में, एक डाटा सेट में कोई भी अगर डाटा मिसिंग है, कोई भी नंबर मिसिंग है, तो आपको मीन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। सो यहाँ नेक्स्ट आता है यूजेस। जो मीन होता है अर्थमेटिक मीन, उसका यूज क्या होता है। सबसे पहला, यूज इन फील्ड सच एज कंप्यूटर साइंस, बिजनेस इंजीनियरिंग एंड इन बिजनेस। ठीक है, तो ओवरऑल कह सकते हैं कि हर टाइप ऑफ फील्ड, बिजनेस से लेकर के इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग से लेकर के आर्ट, हर टाइप ऑफ बिजनेस में यूज होता है। सेकेंड, यूज इन रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड जो आपका स्कूल अटेंडेंस, आपका रिजल्ट आता है, उसमें यूज होता है। थर्ड है यूज फ्रिक्वेंटली इन डिफरेंट फील्ड। ये जो डिफरेंट फील्ड होते हैं उसमें फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, विच मीन्स एएम इज यूज फ्रिक्वेंटली इन फील्ड सच एज इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, दो इट इज यूज इन ऑलमोस्ट एवरी एकेडमिक फील्ड टू सम एक्सटेंड। एंड फोर्थ पॉइंट इज नॉट अ रूबस्ट। तो रूबस्ट का मतलब हो जाता है इट इज नॉट ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटलाइनर्स। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट जो हमारा दोस्तों है वो है यूज टू कंप्यूटेट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यूज टू कंप्यूटेट द वेरिएशन, जो वेरिएशन होता है हमारे कंपनी में उसको कंप्यूट करने के लिए होता है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन चेकआउट करने के लिए। सो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। यदि आपको कहीं पे क्वेरी, कहीं पे डाउट है, या फिर कहीं पे दिक्कत हुआ समझ में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर एज मच एज यू कैन।